नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कितने सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्किंग मिलेंगे। अगर हम बात करें ग्रेस मार्किंग, तो हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग ग्रेस मार्किंग मिलेंगे। मतलब वो ग्रेस मार्किंग सिस्टम जो ये डिपेंड करता है टीचर्स पे कि वो पेपर किस प्रकार से चेकिंग किया जा रहा है, मतलब जो भी पेपर चेक कर रहा है कि वो किस प्रकार से चेक कर रहे हैं, जो भी टीचर्स चेक कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। क्योंकि आप बाई चांस मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप चार सब्जेक्ट में बहुत अच्छे स्कोर किए, पाँच पाँच सब्जेक्ट में आप फेल कर रहे हैं, लेकिन आप जिस टीचर के पास वो पेपर गया वो ग्रेस मार्किंग नहीं दे रहा है, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा मतलब वो ग्रेस मार्किंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब ये ग्रेस मार्किंग सिस्टम आपको मिलने का रहेगा तो सभी सब्जेक्ट में मिल सकते हैं, नहीं तो किसी में नहीं, डिपेंड करता है कि इसमें टीचर्स पर डिपेंड करता है।